आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नेता सीधे बगावत पर उतर आए हैं। नेताओं के बगावती तेवर से पार्टी को आगामी चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे ने सोशल मीडिया पर वाली पोस्ट किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से मुक्त होने की बात कही है। उनके अलावा प्रदेश के जावरा, बुरहानपुर, रीवा, सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में भी विरोध के स्वर उठे हैं। इन क्षेत्रों में भी नेताओं के बगावत से चुनाव में कांग्रेस को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। टिकट कटने से नाराज नेताओं के सीधे बगावती तेवर से पार्टी को अपनों से ही चुनौती मिलने वाली है। पार्टी को डैमेज कंट्रोल करने में बहुत वक्त लग सकता है। विधानसभा चुनाव में प्रदेश के कई विधानसभा सीटों पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी क्रम में सागर विधानसभा में बहु जेट में मुकाबला है। यहाँ कांग्रेस से निधि सुनील जैन को टिकट मिला है, वहीं बीजेपी ने शैलेंद्र जैन को उम्मीदवार बनाया है। दोनों रिश्ते में जेट और बहू है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में दो उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है लेकिन उन्हें टिकट मिल गया है। इनमें पहला सेमरिया से अभय मिश्रा और दूसरा नाम अमित राय है। मध्यप्रदेश की दो ऐसी सीट है जहाँ रिश्तेदार आमने सामने होंगे। पहली लिस्ट पहला नाम देव तालाब, दूसरा नाम सागर विधानसभा और तीसरी सीट इटारसी से दो भाई आमने सामने हो सकते हैं।